हेलो गाइस, देख सकते हैं ये मेरा गवर्नमेंट वाला फ़ोन है। इसमें दिक्कत हो रही है कि ये नोटिफिकेशन लॉक रहता है। वैसे तो अभी मैंने इसको खोला है, लेकिन आप लोग के सोल्यूशन के लिए बता रहे हैं। और ये होम बटन भी जो है ब्लॉक रहता है, ये शो ही नहीं करता। तो इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, अभी नोटिफिकेशन के लिए भी और ये ऑप्शन के लिए भी। आप सबसे पहले कोई भी दोस्त हो जिनके पास पीसी है, ठीक है, या किसी दोस्त का भी पीसी ले सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको सबसे पहला इस फ़ोन को ऑफ कर देना है, ठीक है। हम एक एक चीज़ टेस्ट ना करके जल्दी जल्दी कर रहे हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने। और आप जब तक ये ऑफ होता है, आप लोग को कुछ भी नहीं करना। एक जब तक हम दिखाते हैं आप लोग को, आप वो टूल डाउनलोड कर लेना। सिंपली आप गूगल खोल लें और गूगल के सर्च बार पे आप इस पे डाल दें सेम FW, ठीक है, और सर्च कर दें। और कुछ भी नहीं डालना, सॉरी, सेम FW। चलो पहले गूगल ही खोल लेते हैं। देख सकते हैं गाइस, सबसे पहले हम गूगल खोल लिए। हम इसलिए ऐसा बता रहे ताकि आप लोग आसानी से डाउनलोड कर लें सेम FW। बाकी हम कोशिश करेंगे कि हम उस पर डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देंगे। सबसे पहला ऑप्शन हो जो खुल जाएगा, इस पर आप क्लिक कर दें और ये यहाँ 3 डॉट पर क्लिक कर देंगे। और यहाँ से देख सकते हैं ये लास्ट ऑप्शन, सेम FRP टूल डाउनलोड कर लें सेम FW का। और सबसे नीचे आ जाए, इसमें स्वाइप करते हुए आप नीचे से थोड़ा सा देखेंगे कि एक फाइल डाउनलोड करने का ऑप्शन दिख जाएगा। ये देख सकते हैं आप, लिंक डाउनलोड करके ऑप्शन है डायरेक्ट लिंक का। यहाँ से आप क्लिक कर देंगे, देख सकते हैं ये डाउनलोड हो जाएगा। इसको ऐसे हम पहले डाउनलोड कर चुके हैं तो हम आपको दिखाना चाहेंगे। डाउनलोड करके आप उसको इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल करने के बाद में आपके डेस्कटॉप पे एक ऐसा सेम FW का टूल आ जाएगा, इसको आप जो है रन कर दें। अगर आप रन करेंगे तो आपके PC पे जो है वो टूल खुल जाएगा। उसके बाद में हम बताते हैं आपको करना क्या है। आपको सबसे पहला एक केबल लेना है और आपको वैल्यूम अप बटन, वैल्यूम डाउन बटन, दोनों बटन को एक साथ दबा के और केबल को इंसर्ट करना है। तब तक दबाए रखना तब तक जिस पर जब तक इस पर लोगो ना आ जाए या डाउनलोड मोड में ना चला जाए। देख सकते हैं ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना, वैल्यूम अप बटन दबाना है ताकि कंटिन्यू हो जाए। तो डाउनलोड मोड में आ गया। उसके बाद में हम मोबाइल को एक साइड में रख देते हैं ताकि आप लोग इजीली देख सकें। और उसके बाद में हम जो है इसमें जो है डाउनलोड मोड में आ जाते हैं। और कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको फैक्ट्री रीसेट करना है बस फ़ोन को। जैसे आप फैक्ट्री रीसेट करेंगे थोड़ा सा प्रोसेस होगा, उसके बाद में तुम्हारा फ़ोन रिस्टार्ट होने लगेगा, मतलब फॉर्मेट होने लगेगा एक हिसाब से। और मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता जा रहा हूँ। आप लोग भी ऐसा कर लें, आप लोग का फ़ोन जो है 110% फिक्स हो जाएगा। और जिन भाइयों का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, भाई लाइक एंड सब्सक्राइब करके ही जाना। देख सकते हैं प्रोसेस सारा आपके सामने ही हो रहा है। कुछ भी इसमें जो है ये वीडियो में स्किप नहीं है, बस क्योंकि नया अपडेट आया है इसीलिए जल्दी फिक्स नहीं होता। देख सकते हैं दूसरे ऑप्शन पे आएगा फैक्ट्री डाटा रीसेट का। तो आपको एक बार डाउन करके वैल्यूम डाउन बटन डाउन करेंगे, फैक्ट्री डाटा रीसेट पे आ जाएगा। पावर बटन दबाएंगे, फिर से फैक्ट्री डाटा रीसेट पे करके वैल्यूम डाउन बटन से पावर की कर देंगे, ये पूरा फोन अब अपने आप में रीसेट होगा। देख सकते हैं गाइस, मेरा एक ही बार में प्रॉब्लम फिक्स हो गया था, इसीलिए मैं सोचा कि आप लोग को वीडियो बना के देता हूँ। देख सकते हैं गाइस,
मोबाइल लोडिंग स्टार्ट हो गया है, देख सकते हैं मोबाइल खुल गया है। अभी हम आगे इसको परमानेंटली पूरा खोलते हैं। हम इसलिए आपके सामने कर रहे हैं कि आप बाद में हमसे ये ना बोलें कि ये फेक है या ऐसा कुछ। इसमें नॉक्स की सिक्योरिटी है इसलिए बहुत टाइम लगता है। फिर गवर्नमेंट का फ्री का फोन है। देख सकते हैं गाइस, मैंने कुछ भी नहीं किया हुआ है अभी, ये तो मैं नोटिफिकेशन फिक्स कर रहा हूँ, बाकी मैं सिर्फ SMFW से इसको सिर्फ रीसेट मारा है बस मैंने, ठीक है। ये इजीली आप किसी भी फ्रेंड के फ़ोन से, फ्रेंड के लैपटॉप से या फिर किसी के PC से, हाँ आप इजीली कर सकते हैं। इसके लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता, सिर्फ आपको मैनुअली एक सैमसंग का ड्राइवर डाल के बाकी आपको ये इंटरफेस आएगा, सब इजीली है, आप खुद भी कर सकते हैं इसको। देखते थे नॉक सिक्योरिटी मैंने सेटअप कर रहा हूँ मैं भी, ये थोड़ा सा तुम्हारा टाइम ले सकता है। ये मेरा नोटिफिकेशन लॉक पे बदल गया है, देख सकते हैं फिनिश हो चुका है वो प्रोसेस नॉक्स का। अब दूसरा सेटअप हो रहा है, ये नेट कनेक्ट करके आप लोग इसको इजीली बाईपास कर सकते हैं। और देख सकते हैं ये जब ऑप्शन आ जाता है इंटरफेस ये सपोर्ट का, आप नेक्स्ट कर दें इसको भी और ये भी प्रोसेस हो। और देख सकते हैं ये पूरा बाईपास हो चुका है, और आप देखते हैं नीचे होम की के साथ में हुआ है, और हम लोग आपको दिखाते हैं, देख सकते हैं ऊपर से नोटिफिकेशन भी आ रही है, इधर से भी नोटिफिकेशन आ रहे हैं, और ये होम भी हो जा रहा है 20 से, और ये बैग भी हो रहा है, सब कुछ होगा, ठीक है। तो आप लोग भी ऐसे अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जिन भाइयों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो भाई लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू।